नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। मैं अनुराग सिंह आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आजकल सोशल मीडिया पर एक अफवाह कह लें तो बेहतर होगा फैल रही है कि पुण्य प्रसून वाजपेयी को एक समाचार चैनल से निकाल दिया गया है, और ऐसा किया गया है भाजपा के दबाव के चलते। और उस चैनल का नाम है सूर्य समाचार। सूर्य समाचार चैनल के मालिक का नाम है बीपी अग्रवाल। बीपी अग्रवाल मालिक हैं प्रिया गोल्ड बिस्किट के। अब प्रिया गोल्ड बिस्किट के मालिक का जो चैनल है सूर्य समाचार, यह काफ़ी साल पुराना चैनल है, पर यह प्रकाश में आया है, बल्कि लोगों के पास नज़र में आया है और पॉपुलर हुआ है पिछले एक महीने में, क्योंकि एक महीने पहले इस चैनल से जुड़ गए पुण्य प्रसून वाजपेयी। अब यह पुण्य प्रसून वाजपेयी के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक बहुत ही महान पत्रकारों में से एक हैं, और इन्होंने अपने 29 साल के करियर में करीब 7 साल तक आज तक में कार्य किया है, और 1996 में उन्होंने न्यूज़ चैनल आज तक को ज्वाइन किया था, और 2003 तक आज तक से जुड़े रहे थे। इसके बाद उन्होंने करीब 14 महीने तक NDTV में कार्य किया। वर्ष 2007 में ज्वाइन किया था, और 2008 तक उन्होंने NDTV में अपनी सेवाएं दी। इसके अलावा 2018 में ये 4 महीने तक AVP न्यूज़ से भी जुड़े रहे, और आज तक को जब उन्होंने छोड़ा था तो कुछ महीने बाद उन्होंने दोबारा आज तक को भी ज्वाइन किया था। तो इस तरह से चैनल छोड़ने या फिर से जुड़ने के प्रति उनकी व्यक्तिगत मनसा, व्यक्तिगत फायदे या संतुष्टि असंतुष्टि के भाव हो सकते हैं। पर आज पुण्य प्रसून वाजपेयी की पहचान इतनी बड़ी है कि वो किसी छोटे से YouTube चैनल पे अपनी पहचान बनाए या बनाने के लिए सोचें, यह नहीं सोचा जा सकता। पुण्य प्रसून वाजपेयी दो YouTube चैनल पे देखे जा सकते हैं। एक चैनल का नाम है सूर्य समाचार और दूसरे का नाम है पुण्य प्रसून वाजपेयी। अब आते हैं इनके सब्सक्राइबर पर। पुण्य प्रसून वाजपेयी पे सब्सक्राइबर की संख्या है लगभग 2,14,000, और जो दूसरा YouTube चैनल है जिसका नाम है सूर्य समाचार, उस पे सब्सक्राइबर की संख्या है लगभग 2,49,000। दोनों ही चैनल पे सब्सक्राइबर की संख्या 2 लाख से ज़्यादा और 2.5 लाख से कम है, मतलब दोनों का वजन लगभग लगभग बराबर है। ऐसे में पुण्य प्रसून वाजपेयी को YouTube चैनल जिसका नाम सूर्य समाचार है से इसलिए निकाल दिया जाए, क्योंकि वह राजनीतिक पार्टी जो इस समय देश पे शासन कर रही है, वह नहीं चाहती कि पुण्य प्रसून वाजपेयी चैनल से जुड़े रहें। तो यह बहुत ही छोटी बात होगी, बल्कि कल्पना से परे बात होगी, क्योंकि इतनी बड़ी पार्टी जो देश पे शासन कर रही है, वह एक छोटे से चैनल पे दबाव बनाने नहीं आएगी कि फला व्यक्ति को चैनल से निकाल दो, क्योंकि ऐसा उस समय तो हरगिज ही नहीं किया जाएगा जब चुनाव बिल्कुल सर पे हैं, और पहले चरण का चुनाव 10 अप्रैल को होना है। और ऐसे में एक YouTube चैनल अपने किसी पत्रकार को यह कह के नोटिस दे कि अब आपकी सेवाओं की ज़रूरत नहीं है, आप 31 मार्च 2019 तक चैनल को छोड़ दीजिए, और इसके पीछे कारण बताया जाए कि सत्तारूढ़ पार्टी का दबाव है, तो यह बिल्कुल और बिल्कुल गलत है। गलत ही नहीं है, बल्कि अंदेशा किया जा सकता है कि यह एक साजिश है, एक स्टंट है बीजेपी के खिलाफ। हो सकता है कि कुछ लोग चाहते हों कि बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाया जाए, और माहौल बनाने के लिए यह प्रयास है। इसमें एक छोटे से YouTube चैनल से एक बड़े पत्रकार को निकाल कर लोगों को यह सोचने पर मजबूर किया जाए कि आखिर यह पार्टी जिसका नाम भाजपा है, उसने क्यों दबाव बनाया चैनल पर, ऐसी कौन सी सच्चाई थी जो छिपाना चाहती है भाजपा, और क्या ऐसा करने से भाजपा कोई सच्चाई छिपा सकती है। क्योंकि पुण्य प्रसून वाजपेयी एक दूसरे चैनल पे हैं जिसका नाम ही है पुण्य प्रसून वाजपेयी, संभव इस चैनल के मालिक भी वही हों, और वो अपनी पूरी बात अपने पुण्य प्रसून वाजपेयी नाम के चैनल पे कह सकते हैं, दिखा सकते हैं लोगों को, और ऐसे में जो माहौल बनेगा वह उनकी इस नए इस चैनल की लोकप्रियता को और बढ़ाएगा, सब्सक्राइबर की संख्या बढ़ जाएगी और उनकी बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी। तो अगर पुण्य प्रसून वाजपेयी को सूर्य समाचार से निकाल दिया गया है, या पुण्य प्रसून वाजपेयी ने खुद ही समाचार चैनल को छोड़ दिया है, तो इसके पीछे कारण जो भी हो, पर कम से कम सत्तारूढ़ पार्टी भाजपा बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि ऐसा करने की भाजपा को कोई आवश्यकता ही नहीं है। और फिर भी अगर ऐसा किया है की करती है भाजपा, तो निश्चित रूप से उसका नुकसान ही होना है। तो भाजपा ऐसी नासमझी बिल्कुल नहीं करेगी जिससे उसका नुकसान हो, और आप
इस बारे में क्या राय रखते हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में बताएं। क्या आपको लगता है कि यह भाजपा विरोधी एक स्टंट है, भाजपा विरोधी माहौल बनाने के लिए यह साजिश रची गई है, जिसमें यह बात प्रचारित की जा रही है कि पुण्य प्रसून बाजपेयी को सूर्य समाचार से निकाला गया है, इस कारण से कि भाजपा ने चैनल के मालिक बीपी अग्रवाल के ऊपर दबाव बनाया था। अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें।